स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ का कल जो आपका एग्जाम है मैथ का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। तो यहाँ से जो आपका देखो एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है। देखो अगर आपको सभी ने पढ़ लिए होंगे, जो रिसिप्रोकल हैं और जो इनके कुछ आइडेंटिटीज हैं वो आपको सभी को आते होंगे। तो यहाँ से आपके जो कोसिकेंट का जो रिसिप्रोकल है 1/sin θ होता है, ठीक है। सिकेंट का 1/cos होता है, कोट का 1/tan होता है, ठीक है। इसी तरह ये फॉर्मूले हैं। अब आते हैं जो फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज हैं आपके, ये मेन फॉर्मूलेज हैं। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 के बराबर होता है, सिकेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल 1+tan स्क्वेयर, मतलब ये फॉर्मूलाज आपके, ठीक है। ये आई होप आप सभी ने पढ़े होंगे। ये आते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 8.3 की एक्सरसाइज आपकी यहाँ से रिलेटेड है, तो आपके HBSC सिलेबस में नहीं आती। अब आती है वैल्यू कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 45 की, 60 की, तो ये सभी की वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उन्हीं की। तो यहाँ से जो आता है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वेयर 30 प्लस कोस स्क्वेयर 30 का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ से जो 30 है ना, इन दोनों में सेम है, मतलब ये थीटा आपका क्या है, 30 है, मतलब तो थीटा सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड का क्वेश्चन है, 6 sec² θ - 6 tan² θ किसके इक्वल होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो होगा 6 के बराबर। अब कहोगे जी कैसे है, तो हमारा फॉर्मूला नहीं है। देखो हमारा देखो sec² θ - tan² θ किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 दोनों के है, तो कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 7 हो तो 7 के बराबर हो जाएगा, 1 है यहाँ पे तो 1 के बराबर हो जाएगा। 7 sec² θ - 7 tan² θ होगा तो किसके बराबर, 7 के बराबर। 8 हो तो 8 के बराबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 10² θ किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² θ - 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आपका, देखो फॉर्मूला है sec² θ - 10² θ किसके बराबर है, 1 के बराबर। किसकी वैल्यू चाहिए, 10² θ की, ये उस साइड जाएगा और ये साइड आएगा, तो sec² - 1 के बराबर। नेक्स्ट दे रखा है cos θ * sec θ बराबर होगा। तो देखो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो cos को क्या लिखेंगे, V/H, ठीक है, इंटू में sec θ, तो इसका उल्टा होता है H/B हो जाएगा। देखो बी से बी कैंसिल, अच्छे अच्छे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5 का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन क्या है, cos θ = 12/13, तो sin θ क्या होगा। देखो cos θ दे रखा है आपका, ये क्या आपका एक राइट एंड ट्रायंगल होता है, आपको सभी को बताया है 90 डिग्री का। देखो तो cos θ क्या होगा, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इसी में इसे यूज होता है। तो V/H, मतलब आपको H दे रखा है कितना, यहाँ से 13, और B दे रखा है कितना, 12। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H² = P² + B², ठीक है। बेस दे रखा है, एच दे रखा है, तो पी निकालना है, तो एच की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल आपको पी निकालना है, P² + B कितना है, 12 का स्क्वेयर। अब 13 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वेयर 169 इक्वल P² + में क्या जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये इस साइड आएगा, तो 169 - 144 इक्वल किसके, P² के बराबर। तो ये यहाँ से जाएगा कितना बजेगा, 25, तो 25 इक्वल P², ठीक है। तो अब क्या जाएगा, P² इक्वल आ गया 25, तो P क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 25। अब ये किसका होगा, 25, ये होता है प्लस माइनस 5। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती, तो यहाँ से क्या जगह आपके जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आपका जो हमें क्या निकालना है, sin θ निकालना है। तो sin θ क्या होता है आपका, sin θ होता है आपका P/H। तो P क्या है, परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर क्या था आपका, 5 था, H क्या था, 13 था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, cosec² θ किसके बराबर होगा, तो 1 - 1+cot² θ के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह आपका 7 का क्वेश्चन है, जिस तरह हमने 5th का क्वेश्चन किया है, तो 10 ए बराबर दे रखा 5/12, ठीक है। तो cos ए निकालना है, देखो cos ए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं इसको, लाल/कक्का, ठीक है। तो लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। अब आता है कोस ए, कोस ए क्या होता है आपका, आधार/कर्ण, मतलब V/H। देखो ये दे रखा है 5/12, तो डायरेक्ट सीध यहाँ से निकलेगा आपका, देखो 10 ए क्या होता है, P/B, मतलब प्रिपेंडिकुलर दे रखा है, बेच दे रखा, तो आईपोर्टेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली पता चला है 13 आएगा आपका,
हाइपोटनीस, ठीक है, मतलब आपका जो कर्ण है वो कितना आएगा 13 आएगा। तो हमें कोसे ही निकालना है, तो कोसे क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटनीस, बेस कितना आपका, यहाँ से बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटनीस 13, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 का क्वेश्चन दे रखा है, 2 tan 30 1 + 10² 30। तो देखो इसका वैल्यू निकालें आपको, 2 tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है, और आपका 1 + 10² 30 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो अब 1/√3 होता है, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, 2/√3, ठीक है, नीचे वाले का हम रूट करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, तो 1/3 1 + 1/3, तो इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और ऊपर वाला √2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से sin 60 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10 45 - sin 30, तो क्या आ जाएगा, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, माइनस sin 30 कितना, 1/2 होता है, इसको सोल्व कर दो बस, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 - 1 तो क्या आएगा 1/2, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 - 10² थीटा, तो देखो 1 - 10 45 कितना था, 1 और 1 का स्क्वेयर, अब 1 - 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का भी इसी तरह, जो हमने 5th और 7th का किया था, 10 थीटा, क्या 10 थीटा क्या होता है, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो पी अपोन क्या होता है, सॉरी यहाँ से पी अपोन एच क्या हो जाएगा, ये सॉरी पी अपोन बी क्या हो जाएगा 10, मतलब पी क्या आपके पास 15 है और बी क्या आपके पास 8 है, तो देखो ये राइट एंड ट्रेंगल आपके पास, ठीक है, तो पी दे रखा बी दे रखा, मतलब पी ये दे रखा 15 और ये 8, तो आपको ये एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है p² + b², तो एच कितना आपको निकालना है, पी कितना है 15 का स्क्वेयर सभी को पता है 225, बी का 8 का स्क्वेयर 225 + 8 = 64, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 289, ठीक है, तो एच स्क्वेयर इक्वल कितने किसके आ गया 289, ठीक है, एच बराबर कितना आएगा रूट का 289, ठीक है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 17, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं थी तो एच कितना आ गया आपके पास 17, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो राइट हैंड ट्रायंगल था ये 17 आ गया आपके पास, और तो पी अपॉन बी मतलब ये था 15 और ये 8, ठीक है, तो क्या निकालना है साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो क्या आ जाएगा पी क्या है 15 है और एच क्या 17, तो 15/17 आंसर। नेक्स्ट है इसी तरह sec²θ - tan²θ किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है 1 घंटे वाली, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आपका 8 का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 8 पॉइंट जो 4 के जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसके सभी के सभी पार्ट उसमें मैंने करवा रखे हैं, और या अलग अलग से वीडियो मैंने डिफरेंट एक एक क्वेश्चन की 8.4 की वीडियो डाल रखी है, तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ आप वो वीडियो देख सकते हैं। कल के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हम एक फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है sin A 5/13 है सेकेंड, ये खुद से करोगे, ऐसे क्वेश्चन आ लिया। इसी तरह cot A क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, बस चेंज दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो साइन ए निकालना है, मतलब पी अपॉन एच निकालना है। सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो साइन किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, तो कोट ए पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो बी अपॉन पी मतलब बेस 7 है, ठीक है, और पी कितना है 24 है, तो ये एच निकालना है, तो एच निकालो यहाँ से, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, तो ऐड करोगे 625, ठीक है, मतलब आपके पास एच निकल आएगा 25, ठीक है, तो 25 एच निकल आएगा, तो आपको साइन निकालना है पी अपॉन एच, पी 24 है, एच क्या है 25, तो 24/25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लो ऐसे 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको आज शाम को लाइव आके आपको सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये थे आपके क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हमने कंप्लीट कर लिए, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।